यूँ तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऐसे बहुत सारे शादीशुदा सितारे हैं जिनकी शादी सालों से चली आ रही है, जिनके बीच तमाम लड़ाई झगड़े के बाद भी रिश्ता मजबूती से जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि वहीं बड़े पर्दे के बहुत से सितारे शादी के बंधन से अलग हो गए हैं। हालांकि इनका एक दूसरे से जुदा होने का कारण तो कोई नहीं जानता, पर आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 15 बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बताने वाले हैं कि वो शादी के बंधन से कैसे अलग हुए हैं, क्या रीजन इसके पीछे रहा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं उनके बारे में तो आप हमारे साथ हमारी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नंबर 15, ऋतिक रोशन। क्रिश फेम एक्टर ऋतिक रोशन और सुजैन खान की गिनती बॉलीवुड के पावर कपल्स में होती थी। बावजूद इसके दोनों साल 2014 में अलग हो गए। कई सालों बाद सुजैन खान ने अपनी तलाक पर चर्चा की थी और कहा था, हम लोग जीवन में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए थे जहां हमने अलग होना ही ठीक समझा था। हमें अपने रिश्ते में ये जानना बहुत जरूरी था और मैं किसी भी कीमत पर एक खराब रिश्ते में नहीं रहने को तैयार थी। सुजैन की इस बात से इतना तो क्लियर है कि इनका शादी से अलग होने के पीछे का कारण ऋतिक के अलग अलग रहे अफेयर्स हैं। नंबर 14, सोहेल खान। खान परिवार के बेटे सोहेल खान और सीमा सचदेव जो एक टाइम पर एक दूसरे पर जान देते थे, जिन्होंने घर से भागकर शादी की थी, उन्होंने पिछले साल अपने रिश्ते पर पूर्ण विराम लगाया दिया है, जिसके पीछे का कारण तो कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ साल 2017 में ही सीमा और सोहेल के रिश्ते में खटपट की खबरें सामने आती रही थी, जिससे परेशान होकर दोनों ने तलाक के साथ अपनी शादी खत्म कर दी है। नंबर 13, हनी सिंह। मशहूर प्लेबैक सिंगर और रैपर योयो हनी सिंह अपनी पत्नी शालिनी तलवार से रिश्ता तोड़ चुके हैं, जिनकी शादी 11 साल तक चली है। हम आपको बता दें कि ये दोनों शादी के बंधन से अलग इसलिए हुए हैं क्योंकि हनी की वाइफ ने इन पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, कई बार सुनने में आया है कि हनी अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते थे, इसी वजह से इनकी बसी बसाई घर गृहस्थी बर्बाद हो गई है। नंबर 12, धनुष। साउथ इंडस्ट्री के फेमस हीरो धनुष की शादी सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म डायरेक्टर बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत से हुई थी, जो कि सालों से एक दूसरे के साथ भरोसे और प्यार का रिश्ता कायम किए हुए थे, पर साल 2022 में डायवोर्स के साथ इनका रिश्ता खत्म हो गया। कहा जाता है कि दोनों के रिश्ते में साल 2019 से कुछ ठीक नहीं था। जिनका रिश्ता भारी दुनिया के लिए अलग था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे अलगाव की शुरुआत हो चुकी थी, जिसके पीछे का कारण धनुष का दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर रखना और ऐश्वर्या का डायरेक्शन में करियर ना बन पाना था। नंबर 11, रफ्तार। लेट्स टॉक अबाउट लव जैसे गानों में अपनी आवाज देने वाले मशहूर रैपर और सिंगर रफ्तार आज अपनी पत्नी कोमल वोरा से अलग हो चुके हैं, जिनका पिछले साल डाइवोर्स हुआ है, जिसके पीछे का रीजन तो किसी को नहीं पता, पर सुनने में आता है कि रफ्तार अपनी शादी से खुश नहीं थे। हालांकि दोनों की लव मैरिज हुई थी, पर शादी के बाद दोनों अपना रिश्ता नहीं संभाल पाए। नंबर 10, फरहान अख्तर। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फेम एक्टर फरहान अख्तर ने साल 2022 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शिवानी डांडेकर से दूसरी शादी की है। हालांकि शिवानी इनकी पहली पत्नी नहीं है, इससे पहले इन्होंने साल 2000 में सेलिब्रिटीज हेयर स्टाइलिस्ट अधूना से शादी की थी। करीब 16 साल तक शादी में रहने के बाद साल 2016 में फरहान और अधूना ने अलग होने का फैसला, जिसके बाद साल 2017 जनवरी में दोनों का तलाक हो गया, क्योंकि इस शादी में साथ रहने के बाद भी दोनों के अलग अलग अफेयर थे। नंबर 9, कल्कि कोचलिन। बॉलीवुड की प्रतिभाशाली एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन कभी अनुराग कश्यप के साथ रिलेशनशिप में होने की वजह से सुर्खियों में आई थी। हालांकि उससे भी ज्यादा सुर्खियों में दोनों तब आए जब इनकी शादी के 5 साल बाद तलाक हुआ। आपको बता दें, शादी के कुछ साल बाद ही इनके रिश्ते में दरार आ गई थी। एक इंटरव्यू में अनुराग के साथ तलाक के बारे में कल्कि ने खुलकर बात की थी और कहा था कि हम दोनों को तलाक लेने में समय लगा था, हम दोनों ने इस शादी को लेकर पहले खूब सोच विचार किया था, इसी बीच हम दोनों को एक दूसरे के काम की भी इज्जत करनी थी। ऐसा भी होता है कि कई बार जब आप उस इंसान से प्यार तो करते हैं लेकिन उसके साथ नहीं रहना चाहते, मेरे हिसाब से शादी के बाद हम दोनों ये बात अच्छे से समझ गए थे। नंबर 8, मलाइका अरोड़ा। बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा और इनके पति अरबाज खान आज अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं, पर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये शादी के बंधन से अलग कैसे हुए। बता दें, अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा का तलाक 2017 में हुआ था, जिसके पीछे का कारण एक इंटरव्यू में अरबाज ने बताया था कि अभिनेता ने मलाइका के साथ रिलेशनशिप पर बात की और कहा कि मलाइका को नहीं पता कि परफेक्ट रिश्ता क्या होता है। मैंने अपने रिश्ते को 19 साल तक बचाने की कोशिश की लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। नंबर 7, करिश्मा कपूर। अपनी खूबसूरत आंखों से सभी को घायल करने वाली एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने एक तलाकशुदा बिजनेसमैन संजय कपूर से अरेंज मैरिज की थी, जो कि सालों तक अच्छी भी चली, पर बाद में इनका तलाक हो गया, क्योंकि जहां एक्ट्रेस ने अपने पति पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया था, वहीं संजय का कहना था कि करिश्मा ने उनसे पैसों के लिए शादी की थी, जिसका अंत तलाक के साथ हो गया। नंबर 6, नीतीश भारद्वाज। महाभारत के कृष्ण बने नीतीश भारद्वाज आज अपनी दूसरी पत्नी स्मिता गेट से भी तलाक हो गए हैं। नीतीश ने बताया कि इन्होंने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए सितंबर 2019 में फाइल किया था, जिसके बारे में इन्होंने बात करते हुए बताया था कि हालांकि मैं ये बताना नहीं चाहता कि हम किस वजह से अलग हुए हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि तलाक मौत से ज्यादा दर्दनाक होता है, खासकर तब जब आप एक खालीपन के साथ रह रहे होते हैं। नंबर 5, सैफ अली खान। बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान आज अपनी दूसरी शादी में बेबो करीना कपूर और दो बच्चों के साथ खुश हैं, पर हम आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने एक्ट्रेस अमृता सिंह से घर से भागकर लव मैरिज की थी, जिनसे भी इन्हें दो बच्चे हुए थे। बावजूद इसके इनकी शादी टूट गई और इसके टूटने के पीछे का कारण खुद अभिनेता ने बताया कि अमृता से अलग होने के पीछे का कारण
उनका खराब बिहेवियर था और वो इनके परिवार से अच्छे से पेश नहीं आती थी। इस वजह से हमारे बीच खटास होने लगी और आखिर में हम दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। नंबर 4, महिमा चौधरी। परदेश फिल्म एक्ट्रेस महिमा चौधरी एक तलाकशुदा एक्ट्रेस हैं जो आज अपनी बेटी की सिंगल मॉम बनकर उसकी परवरिश अच्छे से कर रही हैं। बता दें, पति बॉबी मुखर्जी से शादी के बाद इनके तो मिसकैरेज हुए थे, जिसके चलते छोटी छोटी बातों पर इनके बीच बहसबाजी होती थी। ऐसे में इन्होंने बॉबी से अपने रिश्ते अलग करने का फैसला कर लिया था, जिनकी शादी साल 2006 में हुई थी और साल 2013 में ये दोनों अलग हो गए थे। नंबर 3, रेखा। साल 1990 में सदाबहार खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा की शादी मुकेश अग्रवाल से हुई थी, जिन्होंने घर से भागकर मंदिर में शादी की थी। लेकिन खबरों की माने तो शादी के तुरंत बाद ही इनके बीच खटपट होनी शुरू हो गई थी। हालांकि इससे पहले रेखा का तलाक होता ये अपने पति को खो बैठी, क्योंकि इनके पति ने उसी वक्त फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। नंबर 2, आमिर खान। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपनी जिंदगी में दो शादियां की हैं। पहली शादी घर से भागकर रीना दत्ता से, पर बाद में किरण राव पसंद आने के बाद इन्होंने रीना को छोड़ दिया था। और फिर जब इन्होंने अपनी बेटी की उम्र की एक्ट्रेस फातिमा शना शेख के लिए किरण राव से तलाक ले लिया है, जो कि गलत है। नंबर 1, राखी सावंत। ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने 7 महीने पहले ही आदिल खान नाम के लड़के को अपना जीवन साथी बनाया, जिसे इन्होंने गुपचुप शादी की है। पर अब ऐसे सुनने में आ रहा है कि ये दोनों तलाक ले रहे हैं, जिस वजह से राखी बहुत परेशान है और इनके अलग होने के पीछे का कारण इनके सीक्रेट शादी का खुलासा करना है। जी हाँ दोस्तों, आदिल के मना करने के बाद भी राखी ने अपनी शादी का राज खोला। ऐसे में अब इनका तलाक होने पर बात आ गई है। वेल दोस्तों, आपको किसका तलाक होने पर सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।